गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह व केंद्रीय सड़क राज्य परिवहन मंत्री ने कहा कि गाजियाबाद को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। गाजियाबाद में 23 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जो गाजियाबाद में निजामुद्दीन से आए जमातियों के कारण कोरोना पॉजिटिव में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि एक बार हालात बेकाबू हो गए तो उनको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। 14 तारीख के बाद ही सरकार धीरे धीरे कदम उठाएगी। गाजियाबाद को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। कारण उसका ये कि हमारे यहाँ केसेस बढ़ गए, 23 केस हैं, जिनके अंदर ये जो बढ़ोतरी हुई है वो जो लोग निजामुद्दीन जमात अटेंड करके जो आए उसके बाद हुई। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वो किससे मिले, किस कहाँ रहे, कैसे रहे, तो इसलिए संक्रमण का खतरा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि संक्रमण से बचाने के लिए सब एहतियात बरती जाए। तो आज एक समीक्षा बैठक थी, सबसे जायज़ा लिया गया, क्योंकि हर जनपद के लेवल पर प्रदेश ने कुछ कमेटियां बनाई हैं अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए, ताकि उनके बीच में समन्वय हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी था, कुछ क्योंकि खाना बहुत सारी संस्थाएं दे रही हैं, क्या उसके अंदर हम समन्वय कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ताकि जो लाभार्थी हैं उन तक लाभ सही तरीके से पहुंच सके। देखिए, ऐसा है कि ऐसा सोचकर चलिएगा कि कभी भी चीज़ को एकदम से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की देश के अंदर स्थिति है, अगर एक बार हालात बेकाबू हो गए तो आगे चीज़ को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 14 के बाद भी धीरे धीरे हम अपने आप, और ये मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भी इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करें कि ये अपेक्षा ना हो कि एकदम 14 तारीख को इसका मतलब दरवाजे खुल गए, सब बाहर अपने सड़कों पर निकल आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें संयम बरतना पड़ेगा, ताकि जैसे हालात हैं उसके अनुसार हम चीज़ों को आगे चला सकें।